Hello students, welcome back to ABC of Sociology class. Today's lecture is about interactionist perspective. Interactionist perspective के साथ साथ पहले हमने दो perspective जो complete किए हैं. One was functionalist perspective and second one was conflict perspective. ये third perspective है जो आपके syllabus के साथ related है. Let's start the lecture. Introduction. Perspective simply means the way. How we look at the things. Every person has got his own angle to see or view things. हम लोग पहले भी इसको समझ चुके हैं. पर्सपेक्टिव पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई थी. आप प्लीज़ उसको एक बार फिर से देख ले अगर आपने नहीं देखी हुई है. यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे देती हूँ. पर्सपेक्टिव का मतलब होता है हम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं. हर किसी पर्सन का अपना एक एंगल होता है चीज़ों को देखने का या उसको परसीव करने का. उसको हम लोग पर्सपेक्टिव बोलते हैं. Broadly, every man sees the world differently. हर कोई person जो है वो अपने वे से चीज़ों को analyze करता है या अपनी surrounding में चीज़ों को perceive करता है या उसको देखता है या observe करता है. This difference in the point of view is called perspective. जो ये difference है in the point of view, उसको क्या हम बोलते हैं? Perspective. A point of view is a position from which reality is observed and interpreted. A school building may be viewed as a place of work by a teacher, as a place of study by a student, and as a particular structural design by an architect or a builder. अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल कोट की है वो स्कूल बिल्डिंग की हुई है कि उसको हर कोई किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है प्रोफेशनली इन अ डिफरेंट वे. जैसे टीचर के लिए वो एक वर्क प्लेस है, स्टूडेंट के लिए प्लेस ऑफ स्टडी है, एक आर्किटेक्ट के लिए वो एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है. दिस एग्जाम्पल शोज हाउ अ पर्टिकुलर थिंग और अ फिनोमिनल डिफाइंस द बाउंड्री पेरिफ्री एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी. इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को हम कितने वे से एनालाइज कर सकते हैं या कितने वे से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव. द फंक्शनलिस्ट एंड द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स बोथ एनालाइज सोसाइटी एट मैक्रो लेवल. दीज अप्रोचेस अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन सोसाइटी वाइड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर. हाउएवर मेनी कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिस्ट आर मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एज अ होल थ्रू एन एग्जामिनेशन ऑफ सोशल इंट्रैक्शन एट द माइक्रो लेवल स्मॉल ग्रुप. For example, two friends casually talking with one another and a family and so forth. अब जब हम functionalist and conflict perspective की बात करते हैं, जो functionalist and conflict perspective है, ये society को किस तरह से analyze करते हैं at macro level, मतलब large. जैसे हम लोग अगर बात करें family को in general हम लोग ले लें. Family में हम restrict नहीं कर रहे हैं to one family, families बहुत सारी family, that means macro level. अब अगर हम लोग इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करें तो वो कैसे एनालाइज करते हैं सोसाइटी को या वो किन इंटरैक्शंस को पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल इंटरैक्शन बिटवीन टीचर एंड अ स्टूडेंट, इंटरैक्शन बिटवीन टू फ्रेंड्स जो आपस में बात कर रहे हैं, तो उनको किस लेवल पे हम लोगों ने अब जब ये स्पेसिफाई कर दिया तो दैट मीन्स हम लोग जो है इस पर्सपेक्टिव के थ्रू हम मैक्रो लेवल की स्टडी करते हैं. फंक्शनलिस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एनालाइज करते हैं सोसाइटी को मैक्रो लेवल पे, दैट इज़ लार्ज स्केल पे. और जब हम लोग कॉन्फ्लिक्ट इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं वो किस तरह से एनालाइज करते हैं एट माइक्रो लेवल. जहाँ पे हमने एग्जांपल बोली टू फ्रेंड्स कैजुअली टॉकिंग विद वन अनदर, इसको हम लोग इन नटशेल दिस इज़ द इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव. This perspective generalizes about fundamental and everyday forms of social interaction. अब इस perspective में हम लोग क्या पढ़ते हैं? Everyday forms of social interaction. देखो जब हम society में हैं ऐसा नहीं है कि हम लोग static बैठे हुए, हम कुछ ना कुछ काम करते हैं. Just because of the interaction जो है हमारी society run करती है, हम लोग की जो society, it's a web of relationship जहाँ पे हर कोई person, even institution जो है उनकी क्या है, इंटरडिपेंडेंस है ऑन अदर इंस्टीट्यूशन, या ह्यूमन बींग की इंटरडिपेंडेंस है ऑन अदर इंडिविजुअल या अदर ह्यूमन बींग्स फॉर देयर सर्वाइवल, यू कैन से फ्रॉम
These generalization interactionists seek to explain both micro and macro level behavior. अब इन generalization के basis पे हम ये बोल सकते हैं कि interactionists जो है वो explain करते हैं interaction को both macro level पे भी and micro level पे भी. Macro में जैसे interaction की बात करो आप within family, तो हम लोग in general बात कर रहे हैं, बहुत सारी families आ गई. बट जब हम माइक्रो लेवल की बात करते हैं वहां पे हम स्पेसिफाई हो जाते हैं टू वन फैमिली ओनली. इंटरैक्शनिज्म इन सोशियोलॉजी इज अ थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव इन विच सोसाइटी इज थॉट टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ एवरीडे सोशल इंटरैक्शंस अमंग मिलियंस ऑफ पीपल. मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो सोसाइटी जो है वो किससे बन रही है, वेब ऑफ रिलेशनशिप्स. हमारे पास कल्चर है, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस है, और वो वेब ऑफ रिलेशंस कैसे फॉर्म हो रहे हैं, थ्रू इंटरैक्शंस. जब तक हम किसी से इंटरैक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी सोसाइटी आगे फर्दर प्रोसीड नहीं होगी. हम इंटरैक्ट कर रहे हैं तभी हमारी सोसाइटी भी प्रॉपरली रन कर रही है. इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट अ सोशल सिस्टम ऑन अ लार्जर स्केल सच एज द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन स्मॉलर स्केल सोशल इंटरैक्शन सच एज द इंटरैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल और स्मॉल सोशल ग्रुप्स. अब मैंने ये भी आपको पहले ही रिपीट कर दिया हुआ है कि जो इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है या इंटरैक्शनिज्म इन सोशियोलॉजी की बात करें तो वो फोकस किस पे करते हैं, स्मॉल ग्रुप्स पे, कि जो स्मॉल ग्रुप्स है वो किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं उसकी बात हम लोग इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव में करते हैं. फॉर एग्जांपल इंटरैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स और स्मॉल सोशल ग्रुप्स, या इंटरैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, तो उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं. द इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी वॉज इनिशियली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैक्स वेबर. जो इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है सोशियोलॉजी वो किससे इनिशियली कौन इन्फ्लुएंस हुआ, बाय मैक्स वेबर. He had emphasized the importance of understanding the social world from the viewpoint of the individual who act within it. अब यहाँ पे act है, मतलब हम लोग कुछ ना कुछ act कर रहे हैं, मतलब हम लोग कुछ ना कुछ behave कर रहे हैं within the society, उसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, interactionist perspective में. Later developments in this theory have been strongly influenced by social psychology and by the early leaders in Chicago School of Sociology, particularly जॉर्ज हर्बर्ट मीड. फिर लेटर ऑन बहुत सारे लोग जो है इन्फ्लुएंस हुए, जिनमें से जॉर्ज हर्बर्ट मीड इज वन ऑफ देम. द इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव फोकस इज ऑन सोशल बिहेवियर इन एवरी डे लाइफ. इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव किस पे फोकस करते हैं, हमारा बिहेवियर इन एवरी डे लाइफ. हम खाली नहीं बैठते हैं, हम कुछ ना कुछ एक्ट करते हैं, हमारा कुछ ना कुछ एक्शन होता ही होता है विद इन सोसाइटी, हम उसको स्टडी करते हैं या उस पर फोकस करते हैं. इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल क्रिएट एंड इंटरप्रेट द सिचुएशन दे एक्सपीरियंस. अब इसमें क्या है, हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि लोग जो है वो किस तरह से सिचुएशन को क्रिएट करते हैं और अल्टीमेटली उसको इंटरप्रेट करते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस साथ में. एंड इट एम्फसाइजेज हाउ काउंटलेस इंस्टांसिस ऑफ सोशल इंटरेक्शन प्रोड्यूस द लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. और ये सारा इन टोटल जो है किस तरह से प्रोड्यूस करता है लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, इकोनॉमी एंड अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन. दिस पर्सपेक्टिव प्रिज्यूम दैट इट इज़ ओनली थ्रू दी सोशल बिहेवियर ऑफ द पीपल दैट सोसाइटी कैन कम इनटू बीइंग. अब ये पर्सपेक्टिव के प्रिज्यूम करता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द पीपल जो है हमारी सोसाइटी जो है वो बन सकती है या वो रन कर सकती है. सोसाइटी इज अल्टीमेटली क्रिएटेड, मेंटेन्ड एंड चेंज्ड बाय द सोशल इंटरेक्शन ऑफ इट्स मेंबर. सोसाइटी कैसे अब अल्टीमेटली थ्रू इंटरेक्शन जो है कैसे क्रिएट हो रही है, मेंटेन हो रही है और चेंज हो रही है, किन से, बाय द सोशल इंटरेक्शन ऑफ इट्स मेंबर. मतलब सोशल इंटरेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है जब हम सोसाइटी की क्रिएशन या मेंटेनेंस या उसकी चेंज की बात करते हैं. इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी फोकसेस ऑन द वे दैट वी एक्ट और मेक कॉन्शियस चॉइसेस रिगार्डिंग अवर बिहेवियर दैट प्रोसीड फ्रॉम हाउ वी इंटरप्रेट सिचुएशन. इन अदर वर्ड्स, ह्यूमंस आर नॉट सिंपली रिएक्टिंग टू सोशल स्टिमुलाई, वी आर सोशल एक्टर्स एंड मस्ट एडजस्ट अवर बिहेवियर बेस्ड ऑन द एक्शंस ऑफ अदर सोशल
एक्टर्स, अब इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव किस पे फोकस करते हैं कि हम लोग किस तरह से एक्ट कर रहे हैं और किस तरह से हम अपनी कॉन्शियस चॉइसेस को बना रहे हैं रिगार्डिंग अवर बिहेवियर, फिर हम उन चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब इस सोशल वर्ल्ड या हम सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे हम इंडिविजुअल्स को यहाँ पे सोशल एक्टर्स बोल रहे हैं जो कि एक्ट कर रहे हैं। एक्ट किसके अकॉर्डिंगली? सामने वाले के बिहेवियर के भी अकॉर्डिंगली, मतलब इट्स लाइक अ वाइस वर्सा, मतलब जैसे आप एक्ट करोगे या जो आपका रिएक्शन होगा अकॉर्डिंगली सामने वाले का भी उसी हिसाब का रिएक्शन या फिर बिहेवियर रहेगा। द इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव हैज़ अ नंबर ऑफ लूजली लिंक्ड अप्रोचेज। अब कुछ अप्रोचेज हैं जहाँ पे हम कुछ सोशोलॉजिस्ट की बात करेंगे या थियोरिस्ट की बात करेंगे। सबसे पहले है इरविंग गफमैन टेक्स अ ड्रामाटर्जिकल अप्रोच टू सोशल इंटरैक्शन। उन्होंने जो अप्रोच यूज़ की है वो ड्रामाटर्जिकल अप्रोच है। ही सीज सोशल लाइफ एज अ फॉर्म ऑफ थिएटर इन विच पीपल प्ले डिफरेंट पार्ट्स रोल्स एंड स्टेज मैनेज देयर लाइव्स एंड द इम्प्रेशन दे क्रिएट ऑन अदर्स। और ड्रामाटर्जिकल अप्रोच में क्या है कि उन्होंने बोला गफमैन ने कि जो सोशल लाइफ है ये किस तरह का है, ये थिएटर तरीके के है जहाँ पे हम लोग एक्ट कर रहे हैं। हर किसी का अपना एक रोल है जो उनको परफॉर्म करना है, जो हमारी लाइफ है। उसने ऐसा बोला कि इट्स लाइक अ थिएटर जहाँ पे हम लोगों को एक रोल दिया गया है जिसको हमने परफॉर्म करना है, और जो स्टेज है वो क्या कर रही है, हमारे रोल को मैनेज कर रही है फॉर एग्जांपल, एंड द इम्प्रेशन दे क्रिएट ऑन अदर्स, और उसका कहीं ना कहीं इम्प्रेशन है जो हम क्रिएट कर रहे हैं ऑन अदर्स। तो इन टोटल वी कैन से कि गवर्नमेंट ने बोला कि जो हमारी जो सोशल लाइफ है वो क्या है, थिएटर की तरह है। आप सोच सकते हो कि थिएटर में क्या होता है, सेम उसी को आप रिलेट कर सकते हो विद सोशल लाइफ। जॉर्ज होम्स प्रेफर्स टू हैव अ एक्सचेंज अप्रोच। ही स्ट्रेसेस ऑन द वे पीपल कंट्रोल वन अनदर्स बिहेवियर बाय एक्सचेंजिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स फॉर अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड बिहेवियर। अब यहाँ पे होम्स ने क्या किया हुआ है, एक्सचेंज अप्रोच को यूज़ किया हुआ है कि किस तरह से जो पीपल है वो कंट्रोल करते हैं किसका, अदर्स का बिहेवियर, किसके थ्रू, रिवॉर्ड्स के थ्रू, पनिशमेंट्स के थ्रू, फॉर अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड बिहेवियर। अगर अप्रूव्ड बिहेवियर है तो शाबाशी, अगर डिसअप्रूव्ड बिहेवियर है तो पनिशमेंट। नेक्स्ट इज हैरोल्ड गारफिंकल। गारफिंकल ने अडॉप्ट व्हाट ही कॉल्स एन एथनोमेथोडोलॉजिकल अप्रोच। गारफिंकल ने एथनोमेथोडोलॉजिकल अप्रोच यूज़ की हुई है। दिस इज ऑनली एन अटेम्प्ट टू फाइंड हाउ पीपल देमसेल्व्स अंडरस्टैंड द रूटीन्स ऑफ डेली लाइफ। एथनोमेथोडोलॉजी में क्या है कि लोग किस तरह से अपनी डेली रूटीन को अंडरस्टैंड करते हैं। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन हाउ पीपल व्यू, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन शेयर्ड मीनिंग्स अंडरलाइन एवरी डे सोशल लाइफ एंड सोशल रूटीन। अब इस अप्रोच में है क्या है कि लोग किस तरह से अपनी डेली लाइफ को देख रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, और जो उनके शेयर्ड मीनिंग्स हैं उसको कैसे परसीव कर रहे हैं इन एवरी डे सोशल लाइफ एंड सोशल रूटीन्स। सिंपल है, आपने सिर्फ यहाँ पे जो अप्रोचेस है यहाँ पे सिर्फ हमने इंटरैक्शन को अंडरस्टैंड किया है इन अ डिफरेंट वे, कुछ अप्रोचेस अप्लाई की हुई है। सिंपल है कि हमने सिर्फ इंटरैक्शन पे फोकस करना है कि इंटरैक्शन किस तरह का है और हम उस इंटरैक्शन को विद इन द सोशल सिस्टम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी एग्जामिन्स हाउ डिफरेंट सोशल एक्टर्स मेक सेंस ऑफ और इंटरप्रेट द बिहेवियर of those around us. This information can be used to understand the social construction of the world, which is focused on not only the meanings that we give to behavior but also how we interpret the meanings of behavior. अब जो interactionist perspective है उसमें हम examine करते हैं कि social actors या individuals वो किस तरह से interpret करते हैं किसके behavior को जो उनके surrounding में है, और उसी अकॉर्डिंगली जो है वो अपने बिहेवियर को भी मोल्ड करते हैं या वो अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। डिफरेंट सिचुएशंस है तो अगर सेम सिचुएशन है उसको डिफरेंटली कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, अब वो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज दैट वी वर ड्राइविंग अलोंग अ रोड व्हेन अ ट्रक स्पीड बाय अस गोइंग 20 माइल्स पर आवर ओवर द स्पीड लिमिट। वी वुड इंटरप्रेट दैट बिहेवियर एज बीइंग रॉन्ग एंड इलीगल सिंस द कार वाज ब्रेकिंग द स्पीड लिमिट। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि अगर कोई बस है
ट्रक है फॉर एग्जांपल, वो ओवर द स्पीड लिमिट ड्राइव कर रहा है ड्राइवर, तो हम लोग उस बिहेवियर को कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि वो गलत बिहेवियर है, इलीगल बिहेवियर है जो ड्राइवर को नहीं करना चाहिए, ड्राइवर जो है वो रूल को ब्रेक कर रहा है। ये एक सिचुएशन आ गई। नाउ लेट्स से दैट वी हर्ड अ साइरन एंड सॉ दैट द ट्रक वॉज एक्चुअली अ रेड फायर ट्रक गोइंग टू पुट आउट अ फायर, देन वी वुड इंटरप्रेट दिस बिहेवियर एज एक्सेप्टेबल गिवन द फैक्ट दैट द फायर ट्रक हैज़ अ गुड रीजन फॉर ब्रेकिंग द स्पीड लिमिट। देखो दो सिचुएशन है, हम दोनों को इंटरप्रेट किस अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। एक जगह पे ज़्यादा स्पीड है, हमने एनालाइज किया कि वो चीज़ गलत है। दूसरे में हमने देखा कि ट्रक है ओ स्पीड जो है वो ओवर द स्पीड लिमिट है, तो बट हमने पता चला कि वो रेड फायर ट्रक है जो कहीं जो है फायर बुझाने जा रहा है, तो हमने उस बिहेवियर को क्या किया, एक्सेप्टेबल समझा गिवन द फैक्ट दैट द ट्रक हैज़ अ गुड रीज़न फॉर ब्रेकिंग द स्पीड लिमिट। अब देखो हम लोगों ने दोनों सिचुएशंस को अलग अलग वे से इंटरप्रेट किया और उसी को ही फिर हमने आगे एक्ट किया उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज द सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म। सिम्बॉलिक इंटरैक्शन थियोरी और सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इन द फील्ड ऑफ सोशोलॉजी, प्रोवाइडिंग अ की थियोरिटिकल फाउंडेशन फॉर मच ऑफ द रिसर्च कंडक्टेड बाय सोशोलॉजिस्ट। पहले हम लोग इंटरैक्शनिज्म पढ़ रहे थे, इंटरैक्शनिज्म में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म बोलते हैं। सिम्बॉलिक मीन सिंपल, हम लोग सिम्बल्स को यूज करें जिसमें साइंस आ सकते हैं, जेस्चर्स आ सकते हैं। द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ द इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव इज दैट द मीनिंग वी डिराइव फ्रॉम एन एट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड अराउंड अस इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय एवरीडे सोशल इंटरैक्शन। अगेन वही चीज़ है कि जो सेंट्रल प्रिंसिपल है इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव का, वो यही है कि हम कैसे मीनिंग को डिराइव करते हैं किन से, फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस, फिर हम उसी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट प्रोड्यूस बाय एवरीडे सोशल इंटरैक्शन। This perspective is focused on how we see and interpret things as a symbol to communicate with each other, how we create and maintain a self that we present to the world and a sense of self within us, and how we create and maintain the reality that we believe to be true. अब इस पर्सपेक्टिव हम लोग फोकस किस पे करते हैं, हाउ वी यूज, जैसे हम सिम्बल्स को कैसे यूज करते हैं टू कम्युनिकेट। अब यहाँ पे मैं सिंबल्स तो बोलना ही पड़ेगा, बट स्टिल जब हम कोई भी ट्रैफिक सिग्नल से फॉर एग्जांपल हम उन्हें देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ध्यान में आता है कि हाँ भाई अब हमें जो है ट्रैफिक आगे सिग्नल किस तरह का यूज़ करना है। किसी भी तरह का सिंबल आप यूज़ कर लो, किसी भी तरह के साइंस, किसी भी तरह के जेस्चर्स जो है उसके थ्रू कम्युनिकेशन करना, वही हम लोग सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म में पढ़ते हैं। उसी हिसाब से हम लोग क्रिएट करते हैं और मेंटेन करते हैं सेल्फ को, फिर हम उसको प्रेजेंट करते हैं टू द वर्ल्ड, एंड अ सेंस ऑफ सेल्फ विद इन अस एंड हाउ वी क्रिएट। अगेन वही हम लोग एक रियलिटी को जो है वो कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं थ्रू सिंबल्स। सम सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म इंटरैक्शनिस्ट हैव ट्राई टू इन्यूमरेट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द थियोरी। दीज प्रिंसिपल्स इंक्लूड द फॉलोइंग। कुछ सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिस्ट ने क्या किया हुआ है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हैं सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिस्ट के, सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म के। फर्स्ट, ह्यूमन बीइंग आर एंडोर्ड विद द कैपेसिटी ऑफ थॉट। एक ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी है सोचने की। द कैपेसिटी फॉर थॉट इज शेप्ड बाय सोशल इंटरैक्शन। अब वो कैपेसिटी ऑफ थॉट कैसे आया, इज शेप्ड बाय सोशल इंटरैक्शन, जो हम रेगुलरली इंटरैक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ। In social interaction, people learn the meanings and symbols that allow them to exercise their distinctively human capacity for thought. जो social interaction है वो लोगों के लिए किस में helpful है, वो उसके through meanings को learn कर रहे हैं, symbols, और उसी के accordingly जो है उनका जो thought process है वो run कर रहा है। Meaning and symbols allow them to exercise their distinctively human action and interaction. Then उसके बाद जो है meanings और symbols के through उसको use करके वो जो है एक्ट कर रहे हैं और इंटरैक्ट कर रहे हैं। पीपल आर एबल टू मॉडिफाई और ऑल्टर द मीनिंग एंड सिंबल दैट दे यूज इन एक्शन एंड इंटरैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन। लोग जो है क्या कर रहे हैं, जो उनके प्रीवियस मीनिंग्स एंड सिंबल्स रहे उसके अकॉर्डिंगली वो अपने मीनिंग्स एंड सिंबल्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं और आगे वो
एक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन, किस तरह की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली वो बिहेव कर रहे हैं. पीपल आर एबल टू मेक देयर दीज मॉडिफिकेशंस एंड ऑल्ट्रेशंस बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू इंटरैक्ट विच अलाउ देम टू एग्जामिन पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन, असेस देयर रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड देन चूज वन. अब जब हम किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तो जो हमारे प्रीवियस जो हमारे मीनिंग्स है या सिंबल्स है जो भी हमने मॉडिफिकेशन और ऑल्टरेशन की है विद दोज मीनिंग्स एंड सिंबल्स, वो आगे हम उसको एग्जामिन करके जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है हमें वहाँ पे किस तरह से एक्ट करना है तो वो हम लोग वहाँ पे एक्शन जो है परफॉर्म करते हैं. द इंटरविंड ट्विंड पैटर्न्स ऑफ एक्शन एंड इंटरैक्शन मेकअप ग्रुप्स एंड सोसाइटीज़. और जो ये एक्शन है या इंटरेक्शन है यही आगे ग्रुप की फॉर्मेशन करता है और सोसाइटी की फॉर्मेशन करता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल्स है, प्लीज़ इसको याद कर ले और एक साइकिल की तरह हो सके तो इसको थोड़ा फ्लो चार्ट में बना लें. नेक्स्ट इज द हर्बर्ट ब्लूमर. हर्बर्ट ब्लूमर वॉज द वन हु कॉइन द टर्म सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म. हर्बर्ट ब्लूमर ने जो है सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म की बात की हुई है. सिम्बॉलिक इंटरैक्शन इज द इंटरैक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन पीपल थ्रू सिम्बल्स. सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म में हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं, थ्रू सिम्बल्स सच एज साइंस, जेस्चर्स एंड शेयर्ड रूल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स प्लेस ऑन अ फेस टू फेस बेसिस. ब्लूमर हैज़ गिवन थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव. ब्लूमर ने भी थ्री ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं किसके, इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव के. ह्यूमन एक्ट टुवर्ड्स थिंग्स ऑन द बेसिस मीनिंग्स दे गिव टू दीज थिंग्स. अब हम लोग किस तरह से एक्ट करते हैं मीनिंग्स के बेसिस पे, जो भी चीज़ है उसके मीनिंग्स के बेसिस पे हम लोग एक्ट करते हैं. द मीनिंग ऑफ सच थिंग्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द सोशल इंटरेक्शन दैट वन हैज़ विद अदर्स इन द सोसाइटी. अब वो मीनिंग्स हम किस तरह से डिराइव करते हैं, फ्रॉम द सोशल इंटरेक्शन जो हमने अदर्स के साथ, जो हमारा इंटरेक्शन है विद अदर्स इन द सोसाइटी. देन दीज मीनिंग्स आर मॉडिफाइड थ्रू इंटरप्रिटेटिव प्रोसेस यूज बाय द पर्सन इन डीलिंग विद द थिंग्स वन फेस इन द सोसाइटी. फिर उसके बाद क्या है, उन मीनिंग्स को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं थ्रू इंटरप्रिटेटिव प्रोसेस यूज बाय द पर्सन व्हेन ही डील्स विद द अदर पर्सन इन द सोसाइटी. पहले क्या है, ह्यूमन एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग्स दे गिव टू दीज थिंग्स. सेकेंड जो मीनिंग्स है वो कैसे डिराइव करते हैं, थ्रू सोशल इंटरेक्शन. उसके बाद क्या करते हैं, मीनिंग्स को मॉडिफाई करते हैं थ्रू इंटरप्रिटेटिव प्रोसेस यूज बाय द पर्सन इन डीलिंग विद द थिंग वन फेस इन द सोसाइटी. नेक्स्ट इज जॉर्ज हर्बर्ट मीड. मीड हैज़ आइडेंटिफाइड फोर बेसिक एंड इंटर रिलेटेड स्टेज इन द एक्ट. द फोर स्टेजेस रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक होल. मीड ने क्या बोला है, अब हमने इंटरैक्शनिस्ट में बार बार ये तो बोल दिया कि किस हिसाब से एक्ट करें, किस हिसाब से एक्ट करें, बट मीड ने क्या किया, एक्ट को उन्होंने फोर स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट इज इम्पल्स, कि हम किस तरह से एक्ट करते हैं, जो भी अगर कोई सिचुएशन आ जाए तो हम उसको कैसे टैकल करते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली कैसे एक्ट कर रहे हैं, हमारा एक्शन ऑफ कोर्स किस तरह का होगा. फर्स्ट इज इम्पल्स. द फर्स्ट स्टेज दैट इज इम्पल्स विच इन्वॉल्व्स एन इमीडिएट स्टिम्युलेशन. फॉर एग्जाम्पल हंगरी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स. द फर्स्ट स्टेज हो गया इम्पल्स, जहाँ पे स्टिम्युलेशन, अगर किसी को भूख लगी है तो वो एग्जाम्पल किसकी, इम्पल्स की. अब सेकेंड स्टेज क्या होगा, परसेप्शन. परसेप्शन द सेकेंड स्टेज ऑफ एक्ट इज परसेप्शन इन विच द एक्टर सर्चिज फॉर एंड रिएक्ट टू द स्टिम्युलाई दैट इज रिलेटेड टू इम्पल्स. अब सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि फर्स्ट में हमने बात की हंगरी की, भूख लगी है, उसके बाद क्या करेगा जो इंडिविजुअल है वो सर्च करेगा वॉट टू ईट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेज. पीपल हैव द कैपेसिटी टू सेंस और परसीव स्टिम्युलाई थ्रू हियरिंग स्मेल टेस्ट एंड सो ऑन. हम लोगों के पास कैपेसिटी है किसकी, टू सेंस टू परसीव परसीव स्टिम्युलाई थ्रू हियरिंग स्मेल टेस्ट एंड सो ऑन. परसेप्शन इन्वॉल्व्स इनकमिंग स्टिम्युलाई एज वेल एज अ मेंटल इमेजेस दैट दे क्रिएट. अब परसेप्शन से क्या होगा, हमारे दिमाग में कुछ इमेजेस बनना शुरू हो जाएंगी कि अब हमें क्या कंज्यूम करना है. पीपल डू नॉट सिंपली रिस्पॉन्ड इमीजिएटली टू एक्सटर्नल स्टिम्युलाई बट रादर थिंक अबाउट एंड असेस देम थ्रू मेंटल इमेजिनरी.
मतलब उसको सोचना, क्रिएट इमेजेस क्रिएट करना शुरू हो जाएंगे व्हाट टू ईट. ओके, नेक्स्ट इज द मैनिपुलेशन. अ मैनिपुलेशन में क्या, वंस द इम्पल्स हैज़ मैनिफेस्टेड इट्सेल्फ एंड द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन परसीव्ड, द नेक्स्ट स्टेप इज मैनिपुलेशन. पहले इम्पल्स, जिसमें हमने हंगरी की बात की, उसके बाद इम्पल्स के बाद हमने बात किया परसेप्शन की, जहाँ पे सर्च या फिर सोच आएगी कि व्हाट टू ईट. फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मैनिपुलेशन. अ हंग्री ह्यूमन बींग सीज अ मशरूम बिफोर, बट बिफोर ईटिंग इट ही और शी इज लाइकली टू पिक इट अप, एग्जामिन इट एंड चेक इन अ गाइड बुक टू सी वेदर द पर्टिकुलर वेराइटी इज एडिबल. अब मैनिपुलेशन में क्या होगा, अब हंगर तो हमने फर्स्ट स्टेज में देख लिया कि हंगरी जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है इम्पल्स की. अब मैनिपुलेशन में क्या होगा, जो हंगरी ह्यूमन बींग है वो मशरूम को देखेगा, बट बिफोर ईटिंग वो पहले उसको पिक करेगा, एग्जामिन करेगा, चेक करेगा कि वो एडिबल है कि नहीं है, देन उसके बाद वो उसको कंज्यूम करेगा, जो कि लास्ट स्टेज है एक्ट की. नेक्स्ट इज द कंज्यूमेशन. ऑन द बेसिस ऑफ द अबव स्टेजेस द एक्टर डिसाइड्स टू ईट मशरूम एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट द लास्ट फेज ऑफ द एक्ट. कंज्यूमेशन इज जनरली द एक्शन विच सेटिस्फाई द ओरिजिनल इम्पल्स. कंज्यूमेशन में वो जो है मशरूम को कंज्यूम करेगा, जो कि लास्ट फेज है एक्ट का. कि जॉर्ज हर्बर्ट मीर ने एक्ट को चार स्टेजेस में डिवाइड किया है, इम्पल्स, परसेप्शन, मैनिपुलेशन एंड देन कंज्यूमेशन. द इंटरैक्शन इज पर्सपेक्टिव प्रोवाइड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट इनटू द बेसिक मैकेनिक्स ऑफ एवरीडे लाइफ. जो इंटरैक्शन इज पर्सपेक्टिव है, हमने अंडरस्टैंड किया कि कोशिश यही रहती है कि हम माइक्रो लेवल की जो बिहेवियर है या इंटरेक्शन है उसको स्टडी कर सके, और वो हमें डे टू डे लाइफ के का एक आइडिया भी देते हैं कि लोग किस तरह से अपनी डे टू डे लाइफ को जो है मीनिंग दे रहे हैं या उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं. थैंक यू.